स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी लोगों को अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों ये मशरूम की डिशेज के ऊपर सीरीज चला रहा हूं, जिसमें आज हम लोग कवर करेंगे इनकी कैप को, जिसको कहते हैं कॉपराइनस। दूसरे वे में दूसरा नाम है इसका कॉपराइनस, वैसे इनकी कैप है। तो इससे पहले मैं तीन चार वीडियो बना चुका हूँ, एक ग्रीन मोल्ड के ऊपर, ब्राउन मोल्ड के ऊपर, येलो मोल्ड के ऊपर और व्हाइट मोल्ड के ऊपर। तो जिन लोगों ने वो मशरूम की सीरीज को नहीं देखा है तो वो लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आपके फार्म में अगर वो डिजीज आई है तो आप लोग उसको देखकर उसकी कौन कौन सी मेडिसिन यूज करनी है आप लोग इस्तेमाल करके उसको टाइमली कवर कर सकते हैं। अगर प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं तो भी उसमें बता रखा है मैंने कि आपको प्रॉब्लम आने से पहले लोगों क्या क्या प्रिवेंशन करना है, अगर आ भी गया है तो क्यों आया है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें कौन सी मेडिसिन का ट्रीटमेंट करना है, वो सब मैंने उसमें बता रखा है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं मेरी, नहीं तो मेरे बटन में उसका लिंक दे दूंगा। आज हम बात करने वाले इनकी कैप के ऊपर। तो जो लोग मशरूम का काम कर रहे हैं तो वो लोग अच्छे से उनको मालूम होगा कि इनकी कैप क्या होती है, या जो लोग इस सीजन में कल्टीवेशन करने वाले हैं, जो सोच रहे हैं, तो उनके लिए भी काफी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। इनकी कैप दोस्तों एक बहुत सी कॉमन बीमारी होती है, उसके होने का रीजन क्या होता है, जब हम कंपोस्ट बना रहे होते हैं तो कंपोस्ट को क्या करते हैं, हम कभी कभी जरूरत से ज्यादा पानी दे देते हैं, जिससे हमारी खाद जरूरत से ज्यादा सड़ जाती है, गीली ज्यादा हो जाती है। हम कहने का मतलब है उसको जरूरत से ज्यादा पका देते हैं, जिसकी वजह से वो सड़ जाती है हमारी खाद, या जरूरत से ज्यादा गीली हो जाती है। दूसरा कारण है कि उसमें अमोनिया की गंध रह जाती है कभी कभी हमारे कंपोस्ट के अंदर, और तीसरा कारण है कि उसमें नाइट्रोजन की मात्रा भी जरूरत से ज्यादा हो जाती है। तो ये तीन बेसिक रीजन है जिनकी वजह से इनकी कैप हमारे मशरूम फार्म में आती है। अब इनकी कैप की पहचान कैसे करेंगे, तो इनकी कैप का क्या होता है, जो उसकी जो तना होता है, जो उसका रूट होता है, वो जरूरत से ज्यादा लंबा होगा, पतला होगा, और उसकी जो लंबाई है वो पूरी जो जड़ है वो व्हाइट कलर की रहेगी। जो ऊपर की जो टोपी है, जो कैप है, वो ब्राउन और ब्लैक कलर में होती है, कहीं ब्राउन होती है कहीं ब्लैक होती है, ठीक है। और इसकी पहचान क्या है कि दो तीन दिन बाद ये मशरूम की ऊपर की कैप गल जाती है, और गलने के बाद ये एक काली स्याही के रूप में वहीं बैग पर आसपास गिर जाती है। तो ये इसकी हमारी आइडेंटिफिकेशन है कि ये हमारे बैग्स में इनकी कैप आ गई है। अब इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए सोल्यूशन का तो यही है कि प्रिवेंशन सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोग इसमें सबसे पहले आप लोग अपनी कंपोस्ट में देखिए कि आपकी कंपोस्ट ज्यादा तो नहीं सड़ी हुई है, ज्यादा तो नहीं गली हुई है। दूसरा आप अमोनिया चेक कर लीजिए, तीसरा आप उसमें नाइट्रोजन की मात्रा चेक कर लीजिए, ये काफी है, आप लोग चेक कर लेंगे। अगर आपके बैग्स में इनकी कैप आ भी जाती है तो आप लोग उसको मेच्योर ना होने दें, आप लोग उसको दो तीन दिन का वेट ना करें, क्योंकि इनकी कैप आपको अलग से मालूम पड़ जाएगी, पतला सा लंबा सा तना होगा, ऊपर से छोटा सा ब्राउन से ब्लैक कलर का उसका कैप होगा। तो आप लोग पहले दूसरे दिन ही उसको निकाल कर मशरूम 2% फॉर्मूले में डुबो के मशरूम से दूर फेंक दीजिए, ठीक है। यही इसका एक उपाय है, और कोई उपाय नहीं है कि कोई मेडिसिन आपने इसमें लगानी है, आप लोगों को बस आइडेंटिफाई करना है, पिकअप करना है, और फॉर्मलिन में डुबो के 2% फॉर्मलिन में फार्म से दूर तो आप लोग ये पहले से इस चीज को ध्यान रखिए, तो आप लोगों के भी सीरीज नहीं है बढ़ने वाली, और भी डिजीज को मैं कवर करूंगा। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जिन लोगों को लगता है कि मेरी वीडियो उनको कहीं ना कहीं कोई ना कोई 1% भी वैल्यू एडिशन अगर वो कर रही है, तो मैं ये चाहता हूं कि आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि शेयर करने से क्या होगा कि जिन लोगों के फार्म में प्रॉब्लम आ रही है, जो लोग या मशरूम कल्टीवेशन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो लोग मेरी वीडियो देखकर शायद कुछ उनको वैल्यू एडिशन हो, कुछ उनके काम आए, तो उनकी भी मदद हो पाए। तो शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको कोई वैल्यू एडिशन होता है तो। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू सो मच।